नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 देखेंगे। रेती के कुछ उपयोग हैं। आरी द्वारा कटी या छेनी द्वारा चिपिंग की गई सरफेस को समतल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जॉब से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मॉडल अथवा डाई बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी जॉब को चौरस या दूसरे आकार में बनाने तथा चिकना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। टैंग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। फाइलिंग अलाउंस प्राय 0.02 mm से 0.5 mm तक होता है। इसका साइज टिप से लेकर हील तक नापा जाता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं टिप, टो और पॉइंट, शोल्डर, फेस, हील, फेरल, टैंग, एज। फाइल को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ ये 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल 100-150 mm के होते हैं, मीडियम 200-250-350 mm के होते हैं, लार्ज 400-450 mm के होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेपर और सेक्शन ये 7 टाइप्स के होते हैं, फ्लैट, हैंड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, हाफ राउंड, राउंड, नाइफ एज। अकॉर्डिंग टू कट ये 5 टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल, रेस्प, कर्व्ड, स्पाइरल। अकॉर्डिंग टू ग्रेड ये 5 टाइप्स के होते हैं, रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ। फर्स्ट है हमारी फ्लैट फाइल। यह चौड़ाई तथा मोटाई में 2/3 लंबाई तक समानांतर तथा 1/3 लंबाई में पॉइंट तक टेपर होती है। इसके फेस पर डबल कट और एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। सेकंड है हैंड फाइल। मोटाई में कुछ टेपर होती है, डबल कट में होती है, परंतु इसके एक एज पर दांते नहीं कटे होते। इसे सेफ एज रेती भी कहते हैं। थर्ड है ट्रायंगुलर फाइल। 60 डिग्री एंगल पर त्रिकोणी होती है। प्रयोग वी आकार के ग्रूव बनाने, आयताकार, वर्गाकार या स्लॉट आदि बनाने के लिए किया जाता है। आरी के दांते भी तेज किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर होता है। 3 square फाइल भी कहते हैं इसे। तीनों फेसेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं। फोर्थ है स्क्वायर फाइल। लंबाई का 2/3 भाग समानांतर व 1/3 भाग टेपर होता है। दांते डबल कट में कटे होते हैं। इसका प्रयोग आयताकार या वर्गाकार सुराखों को बनाने तथा चाबी घाट नालियों एवं स्प्लाइंस आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका साइज इसकी मोटाई से भी लिया जाता है। हाफ राउंड फाइल। इस पर भी दोहरे कट के दांते कटे होते हैं। इसकी मोटाई एवं चौड़ाई हील से मध्य तक बराबर होती है और मध्य से टो या टिप तक टेपर होती है। इसका प्रयोग भीतरी गोलाई बनाने, छोटे सुराखों को बड़ा करने या टेढ़े मेढ़े सुराखों को ठीक करने के लिए किया जाता है। 6th है राउंड फाइल। इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर और बाकी भाग टेपर होता है। इसे चूहा पूछ रेती भी कहते हैं।
जब यह बिना टेपर के होती है तो इसे समानांतर गोल रेती कहते हैं। यह इकहरी और दोहरी दोनों कटों की होती है। सेवंथ है नाइफ एज फाइल। इसका बारीक किनारा 10 डिग्री टेपर पर बनता है। यह रेती क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इसका प्रयोग ताले की चाबी के दांते निकालने और अंदर के 60 डिग्री से कम के व 10 डिग्री से अधिक के कोण या बारीक किनारे बनाने के लिए किया जाता है। कट के आधार पर फर्स्ट टाइप की फाइल है सिंगल कट फाइल। ये रेती की केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका प्रयोग प्राय बहुत नरम धातु को काटने के लिए किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर आदि। इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट रेती की अपेक्षा अधिक फिनिश बनती है, परंतु धातु कम कटती है। सेकंड है डबल कट फाइल। दांतों की पहली लाइन को ओवर कट, जो केंद्रीय रेखा के 60 डिग्री पर होते हैं, इसे पहला कट भी कहते हैं, तथा दूसरे सेट के दांते केंद्रीय रेखा से 75 डिग्री से 80 डिग्री के कोण में कटे होते हैं, जो प्रथम सेट के दांतों को क्रॉस करते हैं, इसे अपकट भी कहते हैं। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें धातु शीघ्रता से काट सकते हैं, लेकिन सरफेस फिनिश सही नहीं बनती। थर्ड टाइप है रेस्प कट फाइल। इस प्रकार की रेती पर दांते त्रिकोण पंच द्वारा ऊपर उठाए जाते हैं। यह चपटी एवं अर्धगोल आकार में मिलती है। इसका प्रयोग बहुत नरम धातु जैसे सीसा या लकड़ी, हार्ड रबर, प्लास्टिक फाइबर आदि को काटने के लिए किया जाता है। फोर्थ है कर्व्ड कट फाइल। इसे विक्सन फाइल भी कहते हैं। केवल चपटे आकार में ही मिलती है। इसका प्रयोग नरम धातु को काटने तथा फिनिश करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ है स्पाइरल कट फाइल। इस प्रकार की रेती के गोल एवं अर्धगोल साइड्स पर चूड़ी की तरह ग्रूव कटी होती हैं। इसका प्रयोग मुलायम धातुओं पर कटे छिद्र आदि को फिनिश करने के लिए किया जाता है। ग्रेड के अनुसार दांतों की कतारों में दूरी या दांतों के बीच के अंतराल, जिसे पिच कहते हैं, को रेती का ग्रेड कहते हैं। ग्रेड मैट्रिक सिस्टम में रेती की 10 mm लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त करता है और इंग्लिश सिस्टम में 1 inch लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त करता है। एक छोटी रफ कट रेती के दांते उतने बारीक होंगे जितने एक बड़ी सेकंड कट रेती के। रफ फाइल को नरम धातु काटने के लिए प्रयोग करते हैं। बस्टर्ड फाइल आम फाइलिंग कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। सेकंड कट फाइल कठोर धातुओं के लिए प्रयोग करते हैं। सेकंड कट फाइल फिटिंग कार्यों में परिशुद्धता तथा फिनिश के लिए प्रयोग करते हैं। स्मूथ फाइल उपरोक्त रेतियों द्वारा बनी सतह को सही करने के लिए प्रयोग करते हैं और डेड स्मूथ फाइल सतह पर उच्च फिनिश लाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। फाइल की बॉडी मध्य में कुछ ऊपर उठी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टू बी द टेपर ऑफ फाइल। रेतियों की लंबाई का 1/3 अग्रभाग टेपर होता है। इसका लाभ है
वह अपनी चौड़ाई अथवा मोटाई से कम साइज के स्लॉट या छिद्र में प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट है कट एंड ग्रेड में अंतर। कट में रेती के दांतों की किस्म और कोण बताए जाते हैं, जैसे सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, बस्टर्ड कट फाइल आदि। ग्रेड में इसमें 10 mm में दांतों की संख्या बताई जाती है, जैसे सेकंड कट, स्मूथ कट, बास्टर्ड कट फाइल आदि। स्पेशल फाइल्स देखेंगे। फर्स्ट है वार्डिंग फाइल, बहुत पतली एवं आयताकार और मोटाई में समांतर होती है। प्रयोग पतली तथा कम चौड़ी स्लॉट बनाने, ताले की चाबियां, मीटर आदि ठीक करने के लिए, और लंबाई 100 से 200 mm होती है। नेक्स्ट है पिलर फाइल। हैंड फाइल से मिलती जुलती आयताकार होती है, परंतु यह मोटाई में, टेपर और चौड़ाई में समानांतर होती है। हैंड फाइल से कम चौड़ी परंतु अधिक मोटी होती है। इसका प्रयोग चाबी घाट के अंदर के किनारे 90 डिग्री पर बनाने के काम आते हैं। इसकी लंबाई 150 से 200 mm होती है। क्रोचेट फाइल, एक या दो गोल किनारे वाली मिल फाइल भी कहते हैं। फेस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। यह लगभग मिल फाइल की तरह होती है, परंतु इसका एक किनारा या दोनों किनारे गोलाई में होते हैं। इसका प्रयोग गोलाकार सॉ ब्लेड के दांतों की धार बनाने, आंतरिक गोलाइयों को ठीक करने तथा एजिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 100 से 200 mm होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिल फाइल। यह भी हैंड फाइल की तरह होती है। सिंगल कट दांते कटे होते हैं। गोल तथा चौरस एज होता है। इसका प्रयोग खराद मशीन पर फाइलिंग के लिए होता है और इसकी लंबाई 150 से 250 mm होती है। नेक्स्ट है स्विस और नीडल फाइल्स। बहुत ही बारीक ग्रेड की फाइल्स हैं, वार्डिंग फाइल्स की भांति होती हैं। पॉइंट बारीक होता है। एक सेट में 12 फाइल्स होती हैं। लंबाई 100 से 200 mm होती है। टैंग गोल होती है जिस पर नर्लिंग की होती है। फाइल लेंथ से मोटी होती है, जैसा ये अभी साइड व्यू दिखा रखा है इसका। इसका प्रयोग हवाई जहाज, मोटर के पार्ट, घड़ियां, गहने, टूल एवं डाइस पतले तथा नाजुक पार्ट को फिनिश करने के लिए किया जाता है। इसके प्रकार हैं स्क्वायर, राउंड, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर, फ्लैट एज, राउंड एज, नाइफ, क्रॉसिंग, मार्किंग, बैरेट, फ्लैट टेपर, फेदर एज। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ नीडल फाइल्स। हम 3 बेस पे इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्रेड ऑफ कट, सेकंड लेंथ ऑफ फाइल, थर्ड है IS नंबर। एग्जाम्पल है फ्लैट एज नीडल फाइल बास्टर्ड 160 IS 3152। नेक्स्ट है फीदर एज फाइल। यह विषम कोण और समचतुर्भुज के आकार की होती है। यह 60 डिग्री से कम आंतरिक कोण बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह 100 से 200 mm लंबाई की होती है। नेक्स्ट है बैरेट एज फाइल। एक फेस अधिक चौड़ा तथा शेष फेस कम चौड़ा होता है। इसका प्रयोग भीतरी कोण, स्लोट या ग्रूव के शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए। इसे कैंट फाइल भी कहते हैं। इसकी लंबाई 100 से 200 mm होती है। नेक्स्ट है डाई सिंकर्स फाइल। ये भिन्न भिन्न आकार की फाइल होती हैं जो एक सेट के रूप में मिलती हैं। इनकी लंबाई 75 से 100 mm होती है और ग्रेड 0 से 4 होता है। नेक्स्ट है डाई सिंकर्स रिफलर। ये आधी टेढ़ी आकार की बनी होती हैं। बीच में भाग प्लेन होता है जो रेती को पकड़ने के लिए हैंडल का कार्य करता है। दोनों सिरों पर दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग डाई की भीतरी
कर्व्ड सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल फाइल। ये फाइल्स बिना हत्थे के होती हैं। इनके दोनों सिरों पर हेक्सा ब्लेड की भांति सुराख होता है। इनकी लंबाई 300 से 350 mm होती है और इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल वाहनों की बॉडी तथा स्टील सीट की कर्व्ड सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रोटरी फाइल्स एंड बर्स। ये हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनी होती हैं। सेंक थिकनेस 6 mm और डायमीटर ऑफ टिप अप टू 30 mm होता है। ग्रेड्स डबल एक्स्ट्रा कोर्स, रफ, स्टैंडर्ड, मीडियम फाइन, स्मूथ आदि में मिलते हैं। इसका प्रयोग पैटर्न मेकिंग, डाई सिंकिंग, इंक्रीज होल साइज और धातु काटकर सतह को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। इन्हें ड्रिलिंग मशीन, लेथ चक या ड्रिल प्रेस में पकड़कर काम में लाते हैं। कार्बाइड रोटरी फाइल का प्रयोग फोर्ज स्टील या हार्ड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग काटने के लिए। हाई स्पीड स्टील से बने रोटरी बर्स नॉन मेटल को फिनिश करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है मशीन फाइल्स। इनका प्रयोग अधिकतर टूल रूम में डाइस की बाहरी व भीतरी सतह बनाने के लिए किया जाता है। ये फाइल्स गहरे कट की होती हैं। नेक्स्ट है मिलसा फाइल्स। फ्लैट सेक्शन की सिंगल कट फाइल होती हैं जिनके किनारे या तो गोल या फ्लैट होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी काटने की आरी को तेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉक फाइल्स। इनका सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है, दांते निचले फेस पर कटे होते हैं। इनका प्रयोग बड़ी सतह को फाइल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस कट फाइल्स। सॉ को शार्प करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फाइल सिंगल कट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेथ फाइल्स। रैपिड फ्री कटिंग फाइल होती हैं, सिंगल कट और दांत लंबे होते हैं। इसका प्रयोग लेथ पर जॉब को फाइल करने के लिए किया जाता है। यह मिल फाइल की अपेक्षा अधिक स्मूथ सतह देती हैं। लॉन्ग एंगल लेथ फाइल LALF भी कहते हैं। नेक्स्ट है बैंड फाइल्स। अलग अलग फाइल के सेगमेंट होते हैं जो एक बैंड पर असेंबल होते हैं। स्टील बैंड के सिरे को एक साथ जोड़कर कंटिन्यूस लूप बनाया जाता है। इनका प्रयोग बैंड सा मशीन पर लेआउट लाइन के अनुसार स्ट्रेट या कंटूर आकार को फाइलिंग तथा फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। फाइल चलाते समय स्ट्रोक संख्या 40 से 50 प्रति मिनट होनी चाहिए। फाइलिंग करते समय ट्राई स्क्वायर द्वारा जॉब की सतह की जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ फाइलिंग। ये 3 टाइप्स के हैं, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग में धातु अधिक कटती है परंतु संतुलन अधिक रखने की आवश्यकता होती है। क्रॉस फाइलिंग में कम समय में पूरी सतह समतल बन जाती है, चौड़ी सरफेस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। ड्रॉ फाइलिंग में जॉब पर उठे हुए हाई स्पॉट्स स्क्रैचेस को दूर करने एवं हाई फिनिश के लिए दोनों हाथों में हॉरिजॉन्टल पकड़कर स्मूथ फाइल ही चुननी चाहिए। पिनिंग ऑफ फाइल। किसी धातु पर फाइलिंग करते समय रेती द्वारा कटे कणों का रेती के दांतों में फंसना पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। इसका उपाय है फाइल कार्ड द्वारा
कणों को रेती में से निकाल देना चाहिए तथा रेती के फेस पर चाक लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है फाइल कार्ड। यह एक प्रकार का ब्रश है जो पतली कठोर तारों का बना होता है। जिस दिशा में रेती पर दांते कटे हों उसी दिशा में फाइल कार्ड को चलाना चाहिए। जब फाइल कार्ड ना हो तो स्कोरर द्वारा धातु कण निकाल लेने चाहिए। नरम धातु की तार को नुकीला बनाकर स्कोरर तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है नई रेती को साफ करना। साफ करने के लिए कॉपर या ब्रास की पत्ती प्रयोग की जाती है। नई रेती को पहले नरम धातु पर प्रयोग करना चाहिए और फिर हार्ड पर। रेती का स्ट्रोक 35 से 50 प्रति मिनट होना चाहिए। पतले या सीट के जॉब पर लंबाई की दिशा में फाइलिंग करनी चाहिए। बहुत ही नरम धातु पर स्मूथ या बारीक दांतों वाली रेती प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से धातु कण रेती में फंस जाएंगे और रेती काटना बंद कर देगी। रेती को गर्म नहीं करना चाहिए, इससे रेती की हार्डनेस खत्म हो जाएगी। रोटरी फाइल्स तथा फाइल रफलर का प्रयोग डाई सिंकिंग के लिए किया जाता है। हैंड फाइल का दूसरा नाम सेफ एज फाइल है। क्रॉस फाइलिंग और डायगोनल फाइलिंग में अंतर। जिस विधि में रेती को जॉब के कोने से दूसरे कोने तक ही स्ट्रोक में पूरा चलाया जाता है उसे क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। जिस विधि से कम समय में पूरी सतह समतल बन जाती है इस प्रकार की फाइलिंग प्राय चौड़ी सरफेस बनाने के लिए की जाती है, इसे डायगोनल फाइलिंग कहते हैं। गोल रेती की सतह पर स्पाइरल कट में दांते कटे होते हैं। रेती का भाग टैंक को छोड़कर पूरा भाग हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। जॉब की समतलता को फिनिशिंग करने के लिए सुपर स्मिथ फाइल का प्रयोग करते हैं। फ्लैट फाइल का 2/3 भाग समानांतर होता है। फ्लैट फाइल तथा स्क्वायर फाइल का टिप की ओर से 1/3 भाग टेपर होता है। 3 स्क्वायर फाइल को ट्रायंगुलर फाइल भी कहा जाता है। जिस फाइल के एज पर दांते नहीं होते उसे हैंड फाइल कहते हैं। फाइलिंग द्वारा प्राय 0.01 mm की शुद्धता में सतह बनाई जाती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।